ये सिलसिला क्या यूं ही चलता रहेगा? सियासत अपनी चालों से कब तक किसानों को यूं ही छलता रहेगा? नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े। आज हम बात करेंगे ऐसे लीडर से जिसमें नेतृत्व का सटीक गुण है और इस गुण को अब या तो पैसे देकर नहीं खरीद सकते या फिर किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय से भी नहीं सीख सकते। यह आप में खुद होता है या आपके जज्बे में होता है। देखिए, मुश्किलें, तकलीफें, जीवन की हर कठिनाइयां व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभव को एक सच्चा लीडर बनाने में मदद करता है। फिर वे चाहे किसी राजनीतिक पार्टी का लीडर हो या फिर किसी किसान सभा का लीडर हो। यदि आप कुछ उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे तो दुनिया के बेहतरीन लीडर एक सामान्य परिवार से थे और उनके पास संसाधनों का हमेशा से अभाव रहा है। ऐसे ही एक फार्मर लीडर आज हमारे साथ मौजूद हैं, महाराष्ट्र किसान सभा के नेता अजीत नवले जी। बहुत बहुत वेलकम सर, आपका हमारे खास शो में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, सबसे पहले मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि हाल ही में पेटा और अमूल के बीच विवाद हुआ था। पेटा ने अमूल से कहा कि दूध का उत्पादन, वेगन दूध का उत्पादन किया जाए, लेकिन इस पर एक करारा जवाब अमूल ने पेटा को दिया कि क्या पेटा 10 करोड़ मिल्क फार्मर का रोजगार छीनना चाहता है। तो इसमें काफी टिप्पणी हुई, सोशल मीडिया पर भी काफी कमेंट्स बाजी मतलब की गई। तो ये एक्चुअल में क्या विवाद था और करंट में इसकी क्या स्थिति? देखिए, ये सिर्फ किसानों की रोजी रोटी छीनने का सवाल नहीं है। अगर हम भारत को सही सटीक तरीके से देखते हैं तो भारत के तमाम जनता की भूख और उनका न्यूट्रिशन, इसकी आपूर्ति का ये सवाल है। वैगन दूध जो है वो बनाया जा सकता है, उसके प्रोडक्शन लिया जा सकता है, लेकिन गाय का और भैंस का जो दूध आज बड़ी मात्रा में हमारे आहार का एक मुख्य हिस्सा है, जिससे प्रोटीन और बाकी जो चीजें जीवन जीने के लिए और एक हेल्दी प्रकार की लाइफ के लिए चाहिए उसकी आपूर्ति होती है, वो वैगन दूध से नहीं हो सकती। तो इसीलिए ये मांग उठाना कि गाय का दूध बंद करिए, भैंस का दूध बंद करिए, और अभी अलग अलग वनस्पतियों से निर्मित, जैसे बादाम है, जैसे सोया है, इससे बना हुआ दूध इस्तेमाल में लाया जाए, तो ये भारत जैसे देश में जो भुखमरी के त्रासदी से अभी भी जा रहा है और जो हंगर इंडेक्स है उसमें बहुत निचले स्तर पर है, ऐसे देश में इस प्रकार की मांग उठाना अपने आप में मुझे लगता है कि ये हास्यास्पद बात है। हमारी संस्कृति जो लोग जानते हैं उनको ये पता है कि हड़प्पा संस्कृति को आप खोद कर देख लीजिए, या फिर आर्य जब भारत आए उनको टटोलिए, या फिर जो द्रविड़ समुदाय के लोग भारत में मूल निवासी है उनको आप देखिए, या फिर ट्राइबल कम्युनिटी को आप देखिए, उनका इतिहास हम टटोलेंगे तो हम पाएंगे कि पशुओं को पालना, उसके दूध का दोहन करना और उसके चलते हमारे परिवार का, हमारे आने वाली पीढ़ियों का पालन पोषण करना, यह हमारी संस्कृति रही है। तो उसको छोड़ के, उसको नजरअंदाज करके, उसको एक प्रकार से प्रताड़ित करके हम उसको अगर बाजू में रखना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि ये कतई संभव नहीं है। पेटा अपनी जगह ठीक है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इस भारत जैसे देश में ये कतई नहीं हो सकता। गाय, भैंस और बाकी जो भी पशु है उनका दूध ही आहार में एक प्रमुख भूमिका बजाता आया है, आगे भी वो बजाता रहेगा। सर, जैसे पेटा और अमूल के बीच काफी विवाद हुआ, उसके कुछ दिन बाद ही अमूल ने लगा अपने अचानक से भैंस के दूध के भी प्राइस बढ़ा दिए और गाय के दूध के भी प्राइस बढ़ा दिए, जो कि 11 जुलाई से लागू कर दिया गया। तो ये अचानक से अमूल ने इतना बड़ा मतलब फैसला क्यों लिया? ये मिल्क फार्मर के लिए तो ठीक है, लेकिन बाकी जो हमारे देश की जनता है उनके लिए कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा महंगाई के लिए हम कह सकते हैं कि इतना बड़ा फैसला अचानक से कैसे अमूल ने लिया? देखिए, उसके दो कारण है। एक तो भारत भर के अलग अलग जगहों पे जो लॉकडाउन कोविड पैंडेमिक के चलते जो लागू है, तो उसका सीधा परिणाम ये हुआ है कि दूध की खपत कम हुई है और किसानों से उसके बदले में जो दूध खरीदा जा रहा था तो उसके रेट भी घटा दिए जा चुके हैं। और दूसरी जो बात अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पे हुई है वो है कि दूध की जो पाउडर है तो उसके दर भी बहुत मायने तक गिर चुके हैं, तो जिसका परिणाम भारत के जो प्रोसेसिंग वाले यूनिट है वो, फिर अमूल हो या महाराष्ट्र के अलग अलग यूनिट्स हो, तो उनको
दूध बेचने में परेशानी हो रही है, दूध के जो प्रोडक्ट्स है उनको बेचने में परेशानी हो रही है, उसके चलते अलग अलग ब्रांड के जो दाम है वो बढ़ चुके हैं। उसका और पेटा के इस विवाद का मुझे लगता है कोई वास्ता नहीं है। जो मार्केट की आज की स्थिति है तो उसके चलते ये कुछ चीजें हुई है, जिसके चलते ग्राहकों को 2-3 रुपए महंगा दूध खरीदना पड़ रहा है और दूसरी ओर किसानों को भी 10-15 रुपए का घाटा प्रति लीटर उनको दिया जा रहा है। सही मायने में ग्राहक जितने प्रताड़ित है उससे बहुत ज्यादा प्रताड़ित और उससे बहुत ज्यादा शोषण ये किसानों का इस पेंडेमिक के चलते और अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो चीजें घट रही है तो उसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। ओके, तो सर नाउ मैं अब आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे एक एवरेज प्राइस क्या हो सकता है हमारे देश में दूध का, कि जिससे ग्राहकों को भी निश्चिंत रहे, ग्राहक भी और फार्मर्स को भी नुकसान ना हो, उन्हें भी अपने योग्य अनुसार लाभ मिलता रहे, तो ऐसा निश्चिंत प्राइस दूध का क्या होना चाहिए? देखिये, मैं महाराष्ट्र से आता हूँ जो एक बहुत अच्छा दूध उत्पादक राज्य है जी। हमारा जो कृषि विद्यापीठ है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है राहुरी में, जो एक बहुत जानी मानी इस प्रकार की विद्यापीठ है, यूनिवर्सिटी है, तो उसने एक स्टडी किया, उसके चलते उन्होंने कहा कि दूध की महाराष्ट्र में जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, अहमदनगर जिले की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहां पे 1 लीटर दूध को पैदा करने के लिए किसानों को 30 रुपए की लागत मूल्य आती है। हम कहते हैं कि अगर 30 रुपया दूध के लिए हमारा खर्च हो रहा है तो उसमें 15% हमें कम से कम मुनाफा मिलना चाहिए, जिसके चलते दूध के व्यवसाय से हम अपने परिवार का पालन पोषण कर पाए। उस हिसाब से 45 रुपए हमें चाहिए कि हम दूध किसानों से खरीदें। उस पे सप्लाई का और प्रोसेसिंग का जो चार्ज है प्रति लीटर आप 5 रुपए लगा लीजिए और कुछ मुनाफा अगर भी जोड़ते हैं तो इसको अगर मद्देनजर देखते हैं तो 55 रुपए प्रति लीटर दूध ये ग्राहकों को मिलना चाहिए। लेकिन आज अगर आप देखेंगे कि किसानों से दूध खरीदा जा रहा है महाराष्ट्र में, अहमदनगर जिले में, अलग अलग बाकी के जिलों में 20 रुपए प्रति लीटर लागत मूल्य है, 30 रुपए प्रति लीटर और खरीदा जा रहा है किसानों से 20 रुपए प्रति लीटर, 10 रुपए का घाटा प्रति लीटर किसानों के माथे पे मला जा रहा है और ग्राहकों को बेचा जा रहा है टेट्रा पैक में और अलग अलग पैकिंग करके अलग अलग ब्रांड में 70 रुपए 65 रुपए 70 रुपए। तो आप मुनाफा आप देखिए, 20 रुपए का दूध किसानों से खरीदा और हमने बेचा 70 रुपए में, तो इतना बहुत बड़ा मुनाफा अब एक तरह से ये कंपनियां कमा रही है, बिचौलिए कमा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स कमा रहे हैं और दोनों ओर, एक ओर किसानों का शोषण और दूसरी ओर ग्राहकों का शोषण इस पूरे इंडस्ट्री में हमें देखने को मिल रहा है। अगर सही मायने में काम करना है, बुनियादी काम अगर करना है, तो किसानों को एक अच्छे क्वालिटी का दूध बनाने के लिए एक अगर हमें एनवायरनमेंट बनाना है और किसान भी जिंदा रहे ये भी हमें अगर देखना है, तो उनको लागत मूल्य से 15% की उसमें बढ़ोतरी करके दूध खरीदना चाहिए और जो बिचौलिए है डिस्ट्रीब्यूटर से उनका मार्जिन घटा के उसमें जो लूट हो रही है उसको कम करके ग्राहकों को भी ठीक तरीके से 50-55 रुपए प्रति लीटर में दूध, अच्छा दूध ये पहुंचाना चाहिए। वो पहुंचा हम सकते हैं अगर इच्छा शक्ति है तो ये बिल्कुल मुमकिन है। सर लेकिन देखा जाता है कि महाराष्ट्र में दूध का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है और यहीं पर इस राज्य में अन्य राज्यों के अपेक्षित सबसे कम रेट में दूध बिकता है, तो ये इसका कारण क्या हो सकता है सर? महाराष्ट्र में जो कोऑपरेटिव इंडस्ट्री है दूध की वो लगभग बहुत ही सोचे समझे तरीके से खत्म कर दी गई है और महाराष्ट्र का 75% जो दूध कलेक्शन है तो वो प्राइवेट कंपनियों के, कॉरपोरेट कंपनियों के हाथ में चला गया है। हम लगातार ये अनुभव कर रहे हैं कि जहां पे कोऑपरेटिव है वहां पे कुछ हद तक किसानों का एक प्रकार से संरक्षण होता हमें दिख रहा है। आप गुजरात को लीजिए, वहां पे एक ब्रांड है और कोऑपरेटिव का एक स्ट्रक्चर मिल्क इंडस्ट्री में है तो वहां के किसानों को कुछ हद तक ठीक दाम मिल रहे हैं। हम कर्नाटक को अगर लेते हैं, नंदिनी ब्रांड उनका है, सरकार 5 रुपए इंसेंटिव देती है और कोऑपरेटिव के जरिए और एक राज्य एक ब्रांड के तहत वहां के किसानों को भी कुछ पैमाने पे राहत हम महसूस करते हैं।
लेकिन महाराष्ट्र में जबकि कोऑपरेटिव्स को बहुत ही सोचे समझे साजिश के तहत खत्म किया गया और जो कोऑपरेटिव में लीडरशिप थी उन्होंने ही प्राइवेट में इन्वेस्टमेंट करके ये पूरा दूध का जो मसला है वो प्राइवेट में लेके वो गए। एक प्रकार से मोनोपोली उनकी अब महाराष्ट्र में बन चुकी है। थोड़ा सा कारण वो लेते हैं, जैसे कि लॉकडाउन लग गया, मान लो बस उनको बहाना मिल गया, वो 2 रुपए का अगर लॉकडाउन के चलते घाटा होता है तो किसानों पे 10 रुपए मल देते हैं। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में 1 रुपया दूध की पाउडर में कम ज्यादा हो गया तो वो 10 रुपए किसानों का कम करते हैं। इस प्रकार से जो मोनोपोली का शिकार, प्राइवेट कंपनियों के मोनोपोलियों का शिकार महाराष्ट्र में दूध उत्पादक किसान लगातार हो रहा है, महाराष्ट्र शासन के पास भी इस लुटमार को, इस प्रकार की नफाखोरी को रोकने के लिए, खासकर प्राइवेट की नफाखोरी को रोकने के लिए कोई कानूनी हथियार नहीं है। और इसीलिए हम लगातार मांग कर रहे हैं कि इस लुटमार को अगर हमें रोकना है तो हमें एक कानून इस प्रकार का चाहिए, सरकार के हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट्स कानूनी इस प्रकार का चाहिए जो प्राइवेट और कोऑपरेटिव दोनों सेक्टर में लागू हो। और हम लगातार मांग कर रहे हैं कि आप हमारा लागत मूल्य कैलकुलेट कीजिए और उस हिसाब से एक मिनिमम रेट जिसे हम FRP कहते हैं, तो FRP दूध को मिले, फेयर एंड रेम्यूनेटिव प्राइस, जिस प्रकार से गन्ने को मिलती है उसी प्रकार से किसानों के, दूध उत्पादक किसानों को भी मिले। और जिस प्रकार से गन्ने के व्यवसाय में हमारे महाराष्ट्र में रेवेन्यू शेयरिंग का भी फॉर्मूला है, जिसके चलते 70-30 का जो फॉर्मूला है, 1 रुपया अगर आपके पास आता है तो 70 पैसे आपको किसानों को देने होंगे और 30 रुपए में आप प्रोडक्शन कॉस्ट और मुनाफा आप रख लीजिए, उसी प्रकार से दूध व्यवसाय में 80% पैसे आप किसानों को दीजिए, वो दे सकते हैं आप, और 20 पैसे में आप पूरा आपका मुनाफा डिस्ट्रीब्यूशन और जो चिलिंग और प्रोसेसिंग का जो हिस्सा है तो वो आप देख लीजिए। ये फॉर्मूला हम लगातार रख रहे हैं, किसान आंदोलन इसकी हिमायत और उसकी मांग लगातार कर रहा है, लेकिन हम बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है न महाराष्ट्र सरकार हमारी सुन रही है न केंद्र की सरकार। लगातार शोषण हो रहा है, किसान घाटे में और कंपनियां मुनाफे में, इस प्रकार की चीजें हम अनुभव कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि किसान घाटे में और कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां मुनाफे में, तो सर यहाँ मैं जानना चाहूंगी कि हमारे जो दूध उत्पादक किसान है वो दूध का उत्पादन तो कर लेते हैं, मिल्क फार्मर दूध तो उत्पादित कर लेते हैं, लेकिन उसके सामने, उनके सामने समस्याएं आती हैं कि वो इसका विपणन कैसे करे, इसकी मार्केटिंग कैसे करे, बाजार कहाँ उन्हें मिले, तो इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है सर? कोऑपरेटिव यही इस समस्या का समाधान है। हमारे यहाँ छोटे छोटे किसान हैं जिन्होंने गाय पाल रखी है, अगर आप लैंड होल्डिंग महाराष्ट्र की देखेंगे तो 75% किसान आपको मिलेंगे जिनकी लैंड होल्डिंग 5 एकड़ से कम है, और जो गाय के व्यवसाय में है वो तो बहुत ही छोटे किसान है, 2 एकड़ 3 एकड़ वाले किसान है, तो उनसे ये अपेक्षा हम कतई नहीं कर सकते कि 3-4 गाय पालने वाला किसान अपना दूध लेके कहीं जाके बेचे, तो वो बिल्कुल संभव नहीं है। या कुछ 10-12 किसान भी इकट्ठा आए और उस दूध पे कुछ प्रक्रिया करे, ये भी संभव नहीं है। इसके लिए बहुत सारे किसान इकट्ठा आके कोऑपरेटिव के जरिए उनके दूध में वो प्रोसेसिंग करे, जैसे उसको चिलिंग करना है, उसको पैश्चराइजेशन उसका करना है, पैकिंग करना है, वितरण के लिए व्यवस्था खड़ी करनी है, तो उसके लिए कोऑपरेटिव को सशक्त बनाना, उसमें जो भ्रष्टाचार है, अपप्रवृत्तियां है, उसको कम करना, और एक कानून के तहत सरकार उसके पीछे खड़ी रहे, कानून उसके पीछे खड़ी रहे, पूरा समाज उसके पीछे खड़ी रहे। अगर इस प्रकार का मॉडल जो महाराष्ट्र में कई साल चला और बहुत सक्सेसफुल चला, तो उसको अगर हम पुनर्जीवित करते हैं, जो गुजरात में कुछ हद तक हो रहा है, जो कर्नाटक में कुछ हद तक हो रहा है, तो उसका संज्ञान में लेके हुए एक मॉडल फिर से अगर हम बनाते हैं और सरकार उसके पीछे अगर खड़ी रहती है तो ये बिल्कुल संभव है, किसानों को भी अच्छे दाम मिले और ग्राहकों को भी अच्छे दाम में, ठीक दाम में अच्छा दूध मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए कोऑपरेटिव यही रास्ता है, उसको ही हमें टटोलना होगा और उसको ही सशक्त बना के आगे बढ़ना होगा। जी सर, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे देश में कई राज्य हैं, अब महाराष्ट्र को ही ले लीजिए कि अगर हम महाराष्ट्र की बात करें या अन्य राज्यों की भी बात करें, तो हमारे देश में दूध उत्पादन जो ये पूरा जो इंडस्ट्रीज है
तो इसकी अभी क्या स्थिति है, क्या इसमें चेंजेस लाने की जरूरत है, या जो चल रहा है बिल्कुल सही है, या मतलब इसमें क्या परिस्थिति अभी क्या है और इन फ्यूचर इसमें और क्या चेंजेस करने की जरूरत है जिससे कि हमारे देश के किसान उत्पादक जो मिल्क उत्पादक किसान जो है उन्हें फायदा हो सके। देखिए एक बुनियादी बात स्वामीनाथन आयोग ने कही है। स्वामीनाथन आयोग ने कहा कि हम अपनी जो डेवलपमेंट है प्रगति है तो उसको किस प्रकार से नापेंगे। स्वामीनाथन आयोग ने कहा कि खेती में काम करने वाले जो मेहनत कश लोग हैं तो उनके जीवन स्तर में खेती में काम करने से कितना बदलाव आया है, उनकी क्या प्रगति हुई है, क्या डेवलपमेंट हुई है, उसको कितना आमदनी उसकी बढ़ी है, तो इस परिमाण में हमें खेती की प्रगति नापनी चाहिए। अगर डेयरी इंडस्ट्री की आप मुझे कहेंगे कि हमें किस परिमाण में उसकी डेवलपमेंट को मापना है तो मैं कहूंगा कि उसमें काम करने वाले जो छोटे छोटे किसान हैं तो उनको इस डेयरी के चलते क्या मिला, क्या उनके जीवन स्तर में कुछ बदलाव आया, क्या उनकी डेवलपमेंट कुछ हद तक हुई, तो उसको नाप के ही डेयरी इंडस्ट्री की प्रगति को उनके उसकी डेवलपमेंट को नापना सही मायने में भारत को अगर मद्देनजर हम रखते हैं जो सही मायने में भारत है तो उसको मद्देनजर रखते हुए यही बात मैं कहना चाहूंगा। और इसीलिए आज जरूर उस प्रगति की ओर अगर हम बढ़ना है तो डेवलपमेंट की बहुत ही जरूरत है, मुनाफा कमाना है और उसके लिए हमें किसानों को भी खड्डे में डालना है और ग्राहकों को भी लूटना है, अगर यही हमारी प्रगति का मापदंड है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम गलत जा रहे हैं। हमें चाहिए कि अच्छी नस्ल की गाय जो एक अच्छा दूध जो हेल्दी हो और सभी ग्राहकों के लिए भी एक पोषण मूल्य प्रदान करने वाला हो, इस प्रकार का दूध अगर हम चाहते हैं, एक जिसे बगैर मिलावटी वाला दूध अगर हम चाहते हैं तो हमें चाहिए कि किसानों को उनकी लागत के अनुसार भाव मिले, वो सुनिश्चित हो और उसके साथ एक कोऑपरेटिव का जो पूरा लूटमार का जो मसला है तो उसको भी रोक लगा के हम कोऑपरेटिव में अगर जाते हैं, कॉरपोरेट की लूट को रोक के कोऑपरेटिव में अगर हम जाते हैं तो उससे एक मॉडल जरूर उभर के सामने आएगा जो खेती किसानियत ग्रामीण जनता उसको भी बचाएगा और हमारे जो शहर के भाई है उनको भी अच्छा और एक हेल्दी दूध मुहैया कराएगा। इस प्रकार की और हमें बढ़ना चाहिए, यही हमारा प्रगति का मापदंड होना चाहिए। जी सर, अब मैं आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूंगी कि जैसे होता है क्या है, खरीफ फसलें हैं या जो भी फसलें हैं उन पर MSP होता है तो एक उम्मीद की किरण किसानों के किसान देखते हैं केंद्र सरकार की तरफ, राज्य सरकार की तरफ कि इसकी आमदनी बढ़ेगी, अब इसमें प्राइस में बढ़ोतरी होगी, लेकिन जो दूध मिल्क फार्मर हैं उनके पास तो कोई MSP नहीं है और उनके पास तो कोई ऐसा मतलब नहीं है कि प्राइस बढ़ेंगे, तो ऐसा क्यों, दूध पर MSP क्यों नहीं है सर? बिल्कुल यही मांग महाराष्ट्र के किसान लगातार कर रहे हैं। हम जो दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिति बनाई जिसमें अलग अलग संगठनों को हमने साथ में लिया और लगातार हम लड़ रहे हैं तो हम यही बात उठा रहे हैं कि हमारी लागत मूल्य को आप ठीक से परखें और उस पर ज्यादा नहीं 15% का कम से कम हमारा परिवार चलाने के लिए जो ऐड करिए तो उससे जो बनेगा उसको आप FRP फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस करके आप घोषित करिए और वो कंपलसरी कीजिए कि कम से कम इतना आपको किसानों को देना है। तो ये एक बात जो किसानों को एक प्रकार से प्रोटेक्शन प्रदान करेगी हम लगातार उठा रहे हैं, लेकिन केवल इतना नहीं, अगर ज्यादा आपको दूध से आमदनी मिलती है तो उसका भी शेयर किसानों के पास जाना चाहिए। आप अगर शुगर इंडस्ट्री को लेंगे, गन्ने को इंडस्ट्री को लेंगे तो महाराष्ट्र में दो तरफा इस प्रकार का संरक्षण गन्ना उत्पादक किसानों को लागू है, एक और उनको FRP मिलती है जो उनके लागत मूल्य को पूरा करके कुछ 2 रुपए उनके जीवन जीने के लिए पहुंचाते हैं, वो FRP है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, और बाकी के जो उत्पादन शुगर इंडस्ट्री को मिलता है जैसे मोलेसेस है, अलग अलग उप पदार्थ है, इथेनॉल है, ये शुगर के इंडस्ट्री में बनता है तो उसमें जो मुनाफा मिलता है और शुगर बेच के भी जो मुनाफा मिलता है तो उसको भी किसानों के पास पहुंचाने का रेवेन्यू शेयरिंग का फॉर्मूला महाराष्ट्र में लागू है। उसके लिए शुगर कमिश्नर ये सतर्क रहता है और सीजन के समाप्ति में पूरा जो चार्जशीट है, बैलेंस शीट है, उसको लिया जाता है और जो मुनाफा होता है तो उससे 70 पैसा FRP प्लस मुनाफा
उसमें 70 पैसा किसानों के पास गया या नहीं गया उसको देखा जाता है, और 30 पैसा जो बचता है तो उसमें शुगर इंडस्ट्रीज को उसका प्रोडक्शन कॉस्ट पूरा उसमें इस्तेमाल के लिए 30 पैसे लाना पड़ता है। बिल्कुल यही मांग हम कर रहे हैं कि एफआरपी आप दीजिए मिल्क दूध उत्पादक किसानों को, और जो मुनाफा ज्यादा बनता है मिल्क इंडस्ट्री में, जैसा आप पनीर बनाते हैं, केसिन बनाते हैं, दही बनाते हैं, अलग अलग चीजें आप दूध से बनाते हैं, तो उसमें जो मुनाफा बनता है उसका भी एक भाग किसानों के पास जाए। इसके लिए 80-20 का फॉर्मूला, रेवेन्यू शेयरिंग का फॉर्मूला किसानों के लिए और ग्राहकों के लिए भी जो फायदेमंद होगा वो आप लागू करिए मिल्क इंडस्ट्री को। ये दो मांगे हम लगातार उठा रहे, अगर हम इस मांग को मनवाने में अगर यशस्वी होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, तो किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। हमारा आग्रह है कि इस प्रकार की ओर हमें जाना होगा। सर एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि जैसे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं लेकर के आती हैं, कई तरह की सहायता किसानों को करती हैं, तो क्या महाराष्ट्र सरकार भी डेयरी फार्मिंग को लाभकारी बनाने के लिए कुछ योजनाएं हैं किसानों के लिए? वैसे तो बोलने के लिए बहुत सारी योजनाएं आए दिन सरकार डिक्लेयर करती है, लेकिन अगर सही मायने में हम अगर ग्राउंड कंडीशन को अगर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सरकार एक तरह से खेती की ओर और खेती के जो सहायभूत व्यवसाय है, फिर वो गाय पालन हो, मछली पालन हो या मुर्गियां पालन हो, इस ओर एक नकारात्मक तरीके से, एक त्रेस्ता की तरीके से देखती है, जिसके चलते बाजार पे सबको सौंप दिया जाए और किसान के लिए हमारा कोई उत्तरदायित्व तो सरकार की ओर से न रहे, इस प्रकार का रवैया अलग अलग सरकारों का रहता है। मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि महाराष्ट्र की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, एक प्रकार से इसी प्रकार से जा रही है। योजनाएं डिक्लेयर होती है लेकिन उसका कोई लाभ किसानों को नहीं होता है। जो मांग हम कर रहे हैं कि आप लूटमार के खिलाफ महाराष्ट्र में आप कानून करिए, जिसके चलते दूध उत्पादक किसानों को लूटमार से मुक्ति मिले। लॉकडाउन आया, भाव गिरा दिए, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में 1 रुपया दूध के पाउडर का इधर उधर हो गया, 10 रुपये किसानों के गिरा दिए, इस प्रकार की किसानों की लूट न हो और ग्राहकों की भी लूट न हो, इसके लिए कानून बनाओ, ये मांग हम कर रहे हैं। योजना हमें नहीं चाहिए, आप कानून लाइए और कानून लाके एफआरपी की दूध उत्पादों को किसानों को दीजिए और रेवेन्यू शेयरिंग का भी फार्मूला लागू करिए, इस प्रकार की हमारी मांग है। योजना से कुछ नहीं होने वाला, हम कानून चाहते हैं, हम पॉलिसी चाहते हैं। अगर पॉलिसी आती है, अगर कानून आता है तो किसान सक्षम है, अपने बलबूते पर खुद को वो खड़ा करेंगे, हमें उसमें कोई शंका नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपके इस जज्बे को देखकर मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के जितने भी किसान हैं उन्हें आप उनकी एक मांग जरूर पूरी होगी, आपका मतलब रेवेन्यू जरूर मिलेगा, आपके कानून आप तक आएंगे, पॉलिसीज आएंगी। धन्यवाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।